चलिए उठिए उठिए, मुहूर्त का वक्त हो गया है, उठ जाइए। सुनिए, तिलक लगा कर जाइए। भैया हमारे साथ धोखा हुआ है भैया, मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। क्या कह रहे हैं ये? पागल हो गए हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? वो यही कहीं हो गई, तुम लोग ध्यान से देखो। रात में कोई तीन लोग आए थे भैया, उन्हीं के साथ भाग गए। तेज, तेज। हे भगवान, ये सब उसी ने किया है भैया। जिसे मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसने उसी से उसकी शादी करवा दी। बड़े पापा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे बड़े पापा। हाँ तो तुम उससे उसकी शादी करवा दोगे? नहीं बड़े पापा, बचपन में ही ये रिश्ता तय हो चुका था। जाने अनजाने में अगर वो किसी से प्यार कर बैठी तो उसे समझाने के बजाय भगाकर तुमने उसके साथ उसकी शादी करवा दी। बचपन में जेल जाके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और अब मंडप की शादी रोक के फिर से हमारी इज्जत नीलाम कर दी। अब कैसे सर उठा के जिएंगे? अब मैं अपने समधी को क्या मुंह दिखाऊं? बताओ मुझे। अरे इससे क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब आपके बड़े भाई ने इसे करवाया है। अनजान बन रहा है यहाँ खड़ा होके। तेज, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। मेरी आंखों के सामने मेरी समधी पे हाथ उठाता है। भैया मैं अब सब समझ गया, इस घर में मेरी क्या इज्जत है मुझे समझ में आ गया। अब बस हुआ, माफ कर, बहुत हुआ। देखो सॉरी, अब बस कर, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। देखो भैया, आपकी वजह से ये ऐसा बन गया। आप सबको मेरा प्रणाम। बात तो सुनो, हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं, चलो यहाँ से। तुमने ये तक नहीं लिहाज किया कि किसकी उम्र क्या है। एक ही परिवार के तुमने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं। अब से इस घर में तू कभी भी अपने कदम नहीं रखेगा। चला जा, जा। उस दिन तुम्हारी बात मानकर उसे जान से छोड़ दिया था हमने, लेकिन देख रहे हो आज ये तुम्हारी बात का मान रखे बिना घर पर भी आ गया, और तो और मेरे बेटे को मारा भी। अब क्या करेंगे? इसमें बड़े पापा की गलती नहीं है, मेरे घर आने की बात उन्हें नहीं पता थी। मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। बस करो। क्यों ये मेरे जीते जी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? वैसे भी मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ? दरअसल धोखा तो तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे दिया है ना। सुनिए, गलती मेरी ही है। बताइए मुझे किसके पैर पड़ने होंगे? आपको किसी मुझे के माफ पैर पड़ने की जरूरत नहीं बड़े पापा। पापा। कल मोही मनहूस कही कि दोबारा यहाँ क्यों आई? इस झगड़े का कारण तुम दोनों ही हो। तेरी तो मैं सुनिए। मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन भैया को कुछ मत कहिए। श्वेता। सॉरी भैया, मत रोकिए। बड़े पापा, क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था? मैंने आदित्य नाम के लड़के से प्यार किया था। उस रात आप सब लोग सो जाने के बाद मेरा वेट कर रहे आदित्य के साथ मैं चली गयी बड़े पापा। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। ए, तुम्हारे भाई। भैया
हिम्मत मेरी बहन को भगा कर ले जा। मैंने ही उसे बुलाया था भैया। चुप कर, ये तेरा फैसला है। इतनी बड़ी हो गई तू। मैं इससे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ भैया। तो पहले बताना चाहिए था। वो नहीं मानेंगे। इसका मतलब तू ऐसे करेगी? एक बार मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी माँ के बारे में नहीं सोच सकती? मर जाएंगे वो। बचपन से जो अजय तुझसे प्यार करता है उसे क्या कहेंगे हम? इतनी स्वार्थी हो गए तू। हाँ श्वेता, हम चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा? मेरी फैमिली के बारे में क्या जानता है? इसे प्यार करकर ले जाएगा इसे? आप मेरी बात प्यार करता है तो घर वालों को मना कर ले जाता। इसे भगा कर ले जाएगा। प्यार करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्वेता रुक, श्वेता रुको। श्वेता क्या कर रही हो? क्या करने वाली थी तुम? चाचू को पता चलता तो उन पर क्या बीतती? क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसा क्या हुआ है? अब तो बता दो श्वेता। मैं प्रेग्नेंट हूँ भैया। एकधा ब्रह्मणौ वहरति माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे त्वं जीवशरदां शतम्। अरे उठ। हमेशा खुश रहना। गलती मैंने की थी, लेकिन अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तेज भैया अपने परिवार की नजर में गिर गए बड़े पापा। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं कहेंगे कि गलती मेरी है। वो है मेरा भाई। मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं बड़ी माँ। क्या है ये सब? बड़े पापा क्या हुआ? सुनिए, क्या हुआ आपको? सॉरी बेटा। किस बात के लिए? भूल जाइए बड़े पापा। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। हे, चलो निकलो। देवी माँ पहले उसके बारे में नहीं जानती थी, इसलिए जल्दबाजी में उसे दूर भेजने की मन्नत मांगी थी। उसे कैंसिल कर दीजिए देवी माँ, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो चाहिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ अंकल? क्यों बेटी, तुम यहाँ पर अपनी माँ को बचाने वाले को ढूंढने आई हो ना? हाँ अंकल, आपको कैसे पता? अभी पता चला। मूर्ति जी, नंदिनी आई है। पता चला मूर्ति जी यूके से जल्दी आ गए, तो मैं वाइजाग जाकर मिला। बेटी, इनसे मिलकर पता चला कि लड़के का घर यही है। बाद में इन्होंने मुझे बताया कि तुम भी यहीं पर हो। मैं सब जानता हूं बेटी, तुम्हारी माँ को बचाया और जेल जाने वाला कोई और नहीं, तेज है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ बेटी, मेरे बेटे ने ही तुम्हारी माँ को बचाया था। मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में? गंगाधर जी ने सब बता दिया ना, मरते वक्त भी तुम्हारी माँ मेरे बारे में सोच रही थी ना। तुम्हारी माँ बहुत महान थी नंदिनी, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। तेज जरा इधर। क्या हुआ बड़े पापा? अरे आना। ए, तेजू। नंदिनी आ गई। हाँ। अरे वाह, इसे क्यों लेकर आए? पूछ सकते थे ना। हाँ पूछ सकते हैं। बड़े पापा क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अभी सबने बताया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। मैं नंदिनी से बात करता हूँ ना। ओके। नहीं बड़े पापा। क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो?
हाँ नंदू से मैं प्यार करता हूँ, पर ये मेरा बैड लक है। उसके मन की बात जानने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सब भूल गई। फिर भी किसी तरह उसके प्यार को पाने की कोशिश में मैं उसकी नजरों में एक फ्रॉड बनकर रह गया बड़े पापा। उस पर मेरा प्यार इस तरह से थोपना ठीक नहीं होगा। नहीं बड़े पापा, रहने दीजिए। सुनो तेज बेटा, सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, अगर अभी कहोगे तो नंदिनी मान जाएगी। हाँ शायद मान जाएगी, मेरे लिए जान भी दे देगी, लेकिन वो प्यार नहीं होगा, एहसान चुकाना होगा बड़े पापा। रहने दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा। बचपन में आप ही कहा करते थे बड़े पापा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनसे बस उनकी खुशी की उम्मीद कीजिए, किसी उपकार की नहीं। अगर अभी उसे कोई प्यार करने के लिए कहे और वो ये बात मान जाए तो वो स्वार्थ होगा। प्यार तो दिल से किया जाता है, किसी की मदद करने के बदले नहीं। तुम्हें जानने से पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। भैया ये आप क्या कह रहे हैं, अगर वो आपको जानने से पहले ही प्यार करती तो? ऐसा नहीं है, जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों दूर हो जाएं, वही करना ठीक होगा। प्लीज नंदू आकर कहेगी तो भी नहीं मानूंगा। सब यही है। तेज, शाम की फ्लाइट है, पापा एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होंगे, तो मैं निकलती हूँ। नमस्ते आंटी। एक मिनट बेटी, ये एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, जाओ। फ्लाइट शाम की है ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, आराम से खाना वाना खाकर फिर निकलना यहाँ से। आओ चलो बेटी। तेज एक बार मेरी बात मान जा। अच्छा हुआ। ये लीजिए पापा। ये क्या है बेटी? इसी के लिए तो आप इंडिया आए थे। वो तेज जो मेरे साथ आया था उसी ने माँ की जान बचाई थी, लेकिन उसने प्रॉपर्टी लेने से इनकार कर दिया। Thank you.
है नंदनी? क्यों बेटी, तेज को प्रपोज किया ना? हाँ। नहीं सर, लेकिन आप कौन है? ये क्या बेटी, तुम तो उसी के लिए कॉलेज आई थी, भूल गई क्या? हाँ सर, सब भूल गई हूँ। मेरा यहाँ आना, उसके बाद जो कुछ हुआ, सब कुछ भूल गई हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? दुखी मत हो बेटी, उस दिन क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन जब तेज का एग्जाम चल रहा था, तुम प्रपोज करने आई थी। एक लेटर तेज को देने के लिए कहा, मैंने उसे चिट समझकर फाड़ दिया और तुम दुखी होकर चली गई। कौन है आप? पापा, जस्ट वन मिनट। बेटा फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो रही है, जाना पड़ेगा। सॉरी सर, मेरी किस्मत खराब है, तेज से कहूं तो भी अब वो नहीं मानेगा। थैंक यू सो मच सर। रुको बेटी, उस दिन तुम दोबारा आई थी। हाँ बेटी, उस दिन तुम दोबारा आई थी। सर, अब क्या बात है? सर, तेज को ये पेन दे देंगे क्या सर? लेकिन वो पेन लेकर आया है। ये लिखने वाली पेन नहीं है सर। तो फिर? वन मिनट। ए, एग्जाम बाद में लिख लेना, पहले बाहर निकलो। I love you, love you, love you। ये तेज को दे दीजिए, उसे पता चल जाएगा। तेज, who is तेज? तेज, तेज, who is तेज? तेज, तेज क्लास में नहीं था, तुम भी चली गई थी। मैं आज तक तुम दोनों में से किसी को ये पेन देने के लिए ढूंढ रहा था। ये लो, तुम्हारी पेन। थैंक यू सर। बेटी नंदिनी। सर, वेट, वेट। प्रोफेसर ने दी, जब तुम एग्जाम लिख रहे थे तब मैं वहां आई थी। तुम आई थी? ए, एग्जाम बाद में लिख लेना, पहले बाहर आओ। आई लव यू, लव यू, लव यू। मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी तेज, और कहने के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। I love you, I love you, तेज।